नमस्कार सभी किसान भाइयों को, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन कार्यक्रम में। जैसे किसान भाइयों, आपको मालूम है कोरोना महामारी के चलते हुए हम आपके पास आकर नहीं मिल पा रहे हैं। किसान भाइयों, कोल्टिवा एग्रोसाइंस बीज कंपनी ने इस वर्ष यह निर्णय लिया है कि हम सभी कृषि संबंधित जानकारी आपको ऑनलाइन माध्यम से देंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले कृषि संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। किसान भाइयों, धान की बुआई का समय चल रहा है और सभी किसान भाइयों के जहन में एक ही प्रश्न है कि हम एक बीज का चुनाव कैसे करें और एक अच्छा उत्पादन कैसे प्राप्त करें। किसान भाइयों, आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे रीवा से हमारे क्षेत्रीय अधिकारी विनोद शुक्ला जी। साथ ही साथ आज हम चर्चा करेंगे पाइनियर 2737 क्रांतिकारी धान के बारे में। आज हम जानेंगे कि 2737 को एक उपज का बादशाह क्यों कहा जाता है, साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय जिनको करके हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं कि 2737 क्या है। बेमिसाल हो तपता सूरज टोक न पाए, ओ बरखा मारल रोक न पाए, जो भी हो मौसम का पायनियर 2737 इसकी बाहुबली जैसी बालियां दे ज्यादा उपज ज्यादा मुनाफा किसी भी मौसम में। 2737 संकर धान हर हाल में बेमिसाल। जैसे कि किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि 2737 हर मौसम में एक अच्छा उत्पादन देता है, साथ ही साथ इसकी लंबी गुच्छेदार बालियां हैं जिससे कि किसान भाइयों का उत्पादन बढ़ता है और इसका चमकदार दाना है जिससे कि उन्हें बाजार में एक अच्छा भाव मिलता है। आइए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं रीवा से विनोद शुक्ला जी। शुक्ला जी, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम में। धन्यवाद जैसा कि अभी जी हम सर। चर्चा कर रहे थे 2737 संकर धान के बारे में, हम आपसे भी चाहते हैं कि आप इसकी विशेषताएं बताएं, साथ ही साथ अपने क्षेत्र के किसानों का अनुभव हमारे साथ में साझा करें। बिल्कुल, तो धन्यवाद गौरव सर जो हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं किसानों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो ये फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, और ये जुड़ने का जो सिचुएशन है कोरोना महामारी के चलते हम लोग जो लाइव कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है कि जो किसान भी सुरक्षित और हम भी सुरक्षित रहेंगे, और जैसा कि कोविड का सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग भी किसान को सही जानकारियां लाइव के माध्यम से दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे गौरव जी ने बताया है कि मैं रीवा से विनोद शुक्ला जुड़ रहा था, तो मैं रीवा से ही विनोद शुक्ला बात कर रहा हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि जो पायनियर 2737 है, अगर हम उस धान के बारे में बात करें जैसे कि अभी एक वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाया गया है, तो बहुत क्रांतिकारी धान है। और जैसे कि हमारे यहाँ के बहुत सारे किसान, लगभग मान लीजिए 60% किसान हैं जो कि अभी जानने लगे हैं कि पायनियर 2737 हर हाल में बेमिसाल, या हर वाली बाहुबली के नाम से भी जानने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान हमारे बाहुबली बन चुके हैं या बेमिसाल किसान बन चुके हैं, पायनियर का 2737 का उपयोग कर चुके हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस साल भी हमारा मार्केट में 2737 हाइब्रिड जो धान है वो आ चुका है, हर मार्केट में उपलब्ध है। और पायनियर के 2737 की खास बातें बताना चाहूंगा कि जैसे अगर उसकी खूबियां जो हैं उसके अंदर मैं बताता हूँ, तो उसकी लंबी बालियां, गुच्छेदार दाने, चमकदार दाने, वजनदार, और हर मौसम में ज्यादा उपज देने वाला 2737 धान है। और उसके अलावा हम अगर बात करें तो उसका 128 से 132 दिन में वो पक के तैयार भी हो जाता है। तो लंबी जी बालियां की अगर बात करें तो लंबी बालियां जो हैं, लंबी बालियां से अपने किसान का जो उत्पादन मिलता है, और किसान को जो पता भी है कि अगर लंबी बाली है, गुच्छेदार दाना है, तो हमारा उत्पादन बढ़ता है।
तो जैसा कि हाइब्रिड 27x37 में बहुत अच्छा उत्पादन है और लंबी बालियां भी हैं, आइए हमारा नहीं हमारे इधर के जितने किसान भी हैं वो बहुत अच्छे तरह मानते भी हैं, और मैं चाहता भी हूं कि कुछ हमारे किसान का जो अपने से खुद का जुबानी है, जो अपने आवाज से बता करके किसानों को बताना चाहते हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं जो कि वो आपको बताना चाहेंगे कि हम पानी 27x37 कैसे बेमिसाल है। तो ओके, पोस्ट रहेगवारा नगौद, जिला सतना, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं धान की खेती करता हूँ। मैं दो तीन सालों से पायोनियर की 27x37 धान लगा रहा हूँ, जिसकी उपज बहुत अच्छी है। बालियाँ लंबी हैं, दाना चमकदार है, बजनी धान है। अन्य धानों की अपेक्षा इसका एवरेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से अपील और निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पायोनियर कंपनी की 27x37 धान लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी हमने सुना आशीष जी से कि उन्होंने 27x37 जो है अपने यहाँ पर लगाई थी और एक अच्छा उत्पादन पाया था, साथ ही साथ हमारे साथ में एक और किसान जो है वो रीवा से जुड़ रहे हैं, आइए उनके भी सुनते हैं एक किसान की जुबानी और 27x37 की कहानी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजकुमार पांडे, ग्राम टणहर, चौथा तहसील, जिला रीवा का निवासी हूं। हमने पायनियर कंपनी की धान 27x37 का रोपा लगवाया, जो हमें अच्छी पैदावार मिली, और पायनियर कंपनी के द्वारा किसान कटाई प्रदर्शन का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें 40-45 किसान वहां पर मौजूद थे। उसमें हम भी थे। पायनियर कंपनी की धान 27x37 लंबी बाली, वजनदार दाने, कम पानी वाली धान, अच्छी धान हमने पाया, और इसमें अन्य धानों की अपेक्षा ये धान 3-4 क्विंटल प्रति एकड़ अधिक पैदावार भी है, और हमने इसका पूरा लाभ उठाया और अच्छी पैदावार भी मिली। मौसम में भी मार नहीं खाती, मौसम जैसा भी है उस मौसम में भी धान होके रहती है, और अच्छी ज्यादा पैदावार भी मुझे मिली। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी पायनियर कंपनी की 27x37 धान लगाएं, आप भी मुनाफा कमाएं, अच्छी पैदावार है और अच्छी उन्नति है। धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि अभी हमने राजकुमार पांडे जी से सुना कि इन्होंने भी अपने यहाँ पर 27x37 का जो है धान लगाई थी, इन्होंने सबसे पहले अपने गांव में एक किसान के माध्यम से जाना था कि 27x37 धान कैसी है, और इन्होंने वहां से खुश होकर के 27x37 को लगाया और इनको एक अच्छा उत्पादन मिला। ये तो यदि हम शुक्ला जी बात करें, एक किसान की जुबानी हुई और आपने 27x37 की विशेषताएं बताई। साथ ही हम आपसे चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिनको करके किसान जो है वो अच्छे से अपनी खेती को कर सके और कहीं ना कहीं वो अपने उत्पादन को बढ़ा सके। बिल्कुल, तो जैसा कि सर आपने बोला, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो हमारा किसान है, जो हमारे साथ किसान लाइव में भी हैं और बाकी लोग इसके अलावा भी देखेंगे और हमारे साथ में किसान सुन भी रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो बीज का चुनाव है ना। पहले तो जो नींव मजबूत होगा तो ऊपर का बिल्डिंग हमारा मजबूत होगा। सबसे पहले किसान भाइयों से निवेदन करना हूं कि पैसे पैसा कीमत ना देख करके अच्छी बीज का चुनाव करें, वो है पायनियर का 27x37 हर हाल में बेमिसाल। वो से इसी क्षेत्र से वहां से किसान का मैं दिखाया जो जुड़े थे हमारे साथ, हमने एक चाकघाट से रीवा डिस्ट्रिक्ट से किसान को दिखाया जो लाइव जुड़े हुए थे, जिसने उत्पादन बढ़ सका। तो मैं चाहता हूं कि जितने हमारे किसान भाई जुड़े हैं तो पहले तो बीज को चुनाव करें, 27x37 हर हाल बेमिसाल धान बीज चुनाव करके खरीदें, अपने खेत में डालें। अब उसके बाद जैसे आपने गौरव सर तकनीक के बारे में बताने के लिए बोले आप, तो मैं बताना चाहता हूं
कि जैसे अभी 1 एकड़ का बीज का अगर हम बात करें तो 1 एकड़ बीज खेत के लिए 6 किलो चाहिए, और 6 किलो बीज ला करके 8 से 10 घंटे फुलाना है, क्योंकि किसान को कभी कभी भूल जाता है, ज्यादा फुलाते हैं, तो 8 से 10 घंटे हमारे बीज को फुलाना है और 18 से 24 घंटे भारना है। भारने की विधि जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि एक जूट का बोरा भिगा करके नीचे बिछाना है, और जैसे हमने जो 8-10 घंटा धान को फुलाया था उसको छान करके बाहर रखना है, पानी को निकल जाने देना है, उसके बाद हम उस बोरे में धान को पलट देना है और 7-8 इंच मोटा करके उसको लेयल बना करके ऊपर से एक जूट का बोरा भिगा करके उसको उसका पानी निचोड़ करके हमको चारों तरफ दबा देना है। ऐसा करने के बाद हमको एक बार देखना है कि अगर बोरा सूख रहा है तो 1 लोटा पानी लेकर के उस बोरे के ऊपर में थोड़ा सा नमी बना देना है। उससे जर्मिनेशन जो आता है हमारे खेत में जब डालने के बाद पूरी धान पूरी तरह एक्टिव रहती है, तो अच्छे से जर्मिनेशन आता है, जर्मिनेशन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आता। तो मैं बताना चाहूंगा किसान भाई, इस तरह का बीज को आपको तैयार करना है। उसके बाद 1 एकड़ का बीज अगर हम डालने की बात करें जमीन की, 400 वर्ग मीटर की जमीन चाहिए। अगर 1 एकड़ का बीज आप डाल रहे हैं तो 400 वर्ग मीटर जमीन होना चाहिए, उसमें आपको 1 एकड़ का बीज तैयार करना चाहिए। अगर जितना एकड़ तैयार आप ले रहे हैं बीज, उतना 400 वर्ग मीटर ऐड करते रहना। उसके अलावा जो हम बीज जिस खेत में डालेंगे उस खेत का थोड़ा सा दूसरे खेत के अपेक्षा वो खेत ऊंचा होना चाहिए, जैसे हम पानी लगाएं और पानी काटें तो उस खेत का पानी नीचे ढड़क जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पानी 27 पे 37, आपको 21 दिन में अगर हम कहें तो 20 से 21 दिन रोपा उखाड़ के लगाना, ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। तो जैसे ट्रांसप्लांटिंग करते समय में किसान भाई हमारे खाद को 10-15 दिन 20 दिन बाद डालते हैं, थोड़ा सा डालने की मैं विधि बताना चाहूंगा जो हमारे पायनियर का सुझाव है। कोटेबा एग्री साइंस सीड प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है किसानों को विशेष कर ध्यान देती है, वो बताना चाहती है कि आप लोग जितने किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, जो सुन रहे हैं या जो सुनेंगे, मैं सबको बताना चाहूंगा कि 50 किलो डीएपी, 25 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास आपको रोपाई ट्रांसप्लांटिंग करते समय में, आपको जब लास्ट वाली जुताई करते हैं उस समय खेत में डाल करके तब ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। हम उसके बाद अगर दूसरी खाद की बात करें, दूसरी खाद आपको उस समय डालना है जैसे 20-25 दिन का रोपा हो जाता है। उस समय अपने अगर भाषा में हम यहाँ के रीवा के लोकल भाषा में बात करें तो खेत में धान लगेज ले लेता है। जब लगेन ले लेता है उस समय हमको खाद डालना पड़ता है 20-25 दिन रोपा होने के बाद। तो उस समय हमको कैसे करना है, आपको 35 किलो यूरिया और लगभग प्रति एकड़ आपको डालना है, तो उस तरह का हमको खाद डालना है। और उसके बाद हमको जो तीसरी खाद डालना है, तीसरी खाद हम इधर उधर जाएंगे तो अगर धान में अटैक करना चाहता है, अगर किसी भी पौधे को उससे रोग भी अटैक नहीं का सुझाव है, और हमारा भी सुझाव अभी जैसा भाई ने बताया कि हमने ज्यादा उत्पादन पाया, किसी ने पाया एक की अगर बात, तो हमारे यहाँ एवरेज 27 पे। जैसा कि शुक्ला जी की आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, लगता है कुछ तकनीकी कारणों से शुक्ला जी की आवाज़, शुक्ला जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? किसी तकनीकी कारण से शुक्ला जी का संपर्क हमसे कट गया है। आइए स्वागत करते हैं मिर्जापुर से क्षेत्रीय अधिकारी रश्मि पांडे जी का, आगे का कार्यक्रम उनके साथ में। रश्मि जी स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम में। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे 27 पी 37 संकर धान के बारे में, और हमारे साथ में जुड़े थे रीवा से विनोद शुक्ला जी, और उन्होंने हमें बताया 27 पी 37 की विशेषताएं। साथ ही साथ अभी हमने जाना कि उनके क्षेत्र के किसानों का क्या कहना है 27 पी 37 के बारे में, और साथ ही साथ उन्होंने हमें
हम एक अच्छा उत्पादन कैसे कर सकते हैं, यह भी विनोद शुक्ला जी ने हमको बताया। तो हम आपसे आगे की चर्चा करते हुए यह जानना चाहेंगे कि यदि हम 27 पी 37 हमारे किसान भाई लगाते हैं और साथ ही साथ वो कंपनी से कोई परामर्श करना चाहते हैं, कोर्टिव एग्रो साइंस से कोई परामर्श करना चाहते हैं, तो वो किन किन माध्यम से कर सकते हैं? साथ ही यदि कंपनी इस बार कुछ नया तकनीक लेके आई है या कोई नया ऑफर अपने यहाँ लेके आई है तो आप उसकी जानकारी किसान भाइयों को दें। जी, तो सबसे पहले जो भी किसान हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम रश्मि पांडे है और मैं क्षेत्रीय अधिकारी हूँ मिर्जापुर और सोनभद्र जिले की। तो किसान भाई, सबसे पहले अगर आप पाइनियर का बीज का चयन कर रहे हैं, मेरा तो यही सुझाव है कि पाइनियर 27P37 का आप चयन करें। क्यों चयन करें? क्योंकि इसकी लंबी बालियां होती हैं, इसमें दाने ज्यादा पड़ते हैं। ये हर बाली बाहुबली है, लगभग 10 से 12 ग्राम की इसकी एक बाली होती है जो हमने देखा है। इसके दाने काफी चमकदार होते हैं जिससे आपको अच्छा दाम मिलता है, बाजार भाव अच्छा मिलता है और हर मौसम में ज्यादा उपज है। इसका मतलब कि अगर आपके पास पानी है तब भी बढ़िया, थोड़ा बहुत पानी कम है, बरसात का कोई नियम नहीं है तो भी आपको बढ़िया जो है उपज मिलता है। दूसरी बात किसान भाइयों की, अगर आपके क्षेत्र में पाइनियर 27P37 हर क्षेत्र में उपलब्ध करा दिया गया है तो आप लोग अपने नजदीकी विक्रेता के यहाँ से जाके पाइनियर 27P37 ले सकते हैं। और अगर आपको उसके बाद किसी भी तरह की परामर्श चाहिए, आपको कोई सुझाव चाहिए, तो आप उस विक्रेता के से भी आप बोल सकते हैं कि वहाँ जो पाइनियर के प्रतिनिधि मौजूद हैं वहाँ आपको उनसे कनेक्ट कर देगा। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो पाइनियर का एक डायरेक्ट नंबर आता है जो कि पाइनियर परामर्श नंबर आता है, ये बिल्कुल फ्री है। जो नंबर है वो है 1800103979। तो इस पाइनियर परामर्श का नंबर किसान भाइयों, ये आप लोग अपने फोन में नोट कर लीजिए। ये आपको हर पैकेट के पीछे भी मिल जाएगा। जो पाइनियर का पैकेट होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो पाइनियर 27P37 का जो पैकेट होगा, यहाँ पे 27P37 लिखा होगा, उस पैकेट के पीछे भी पाइनियर परामर्श का नंबर आपको दिख जाएगा। तो पाइनियर परामर्श के नंबर पे आप फोन करके कभी भी आप जो है किसी भी तरह का सुझाव ले सकते हैं। साथ ही साथ रश्मि जी, आप हमको बताइए कि कंपनी ने इस बार क्या ऑफर लेके आई है और जो हमारा कुछ कैशबैक स्कीम वगैरह जो होती है वो हम किन माध्यमों से ले सकते हैं? तो किसान भाइयों, इस बार कंपनी आप सभी किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा कैशबैक स्कीम, मतलब कि पैसा अकाउंट में वापस स्कीम लाई है। तो ये स्कीम आप कैसे ले सकते हैं, आइए जानते हैं। तो ये स्कीम, सबसे पहले आपको अपने नजदीकी विक्रेता के यहाँ से 27P37 का धान खरीदना होगा। ये स्कीम जो है दो पैकेट से शुरू होती है। तो आपको क्या करना है कि पहले 27P37 का आप जितना भी धान खरीदना चाहते हैं आप खरीद लीजिए। उसके बाद फार्मर कनेक्ट ऐप को आपको अपने फोन में, जो आपका स्क्रीन टच वाला फोन है, उसमें आपको डाउनलोड करना है। ये एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में डाउनलोड हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है किसान भाइयों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। पाइनियर फार्मर कनेक्ट ऐप या पाइनियर किसान कनेक्ट ऐप इसको कहते हैं, वो आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। फार्मर कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रकार से जो है अपने आप को रजिस्टर करना होगा कि अपना आप फोन नंबर डालिएगा, उस पर आपको OTP आएगा, आपका लोकेशन लेगा और आप अपने आप को लोकेशन में रजिस्टर कर लेंगे। इस फार्मर कनेक्ट ऐप पर रजिस्टर करने के बाद इसमें जो है शॉप स्कैन एंड अर्न का ऑप्शन आएगा, जिसमें जाके आप जो है कैशबैक ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये प्रोसेस आपको कैसे करना है। प्रिय किसान भाइयों, कोरटेवा के कैशबैक ऑफर के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे कंपनी प्रतिनिधि आपको उत्पाद संबंधी जानकारी देंगे। अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आगे की प्रक्रिया करें। उत्पाद खरीदें, फार्मर कनेक्ट ऐप डाउनलोड करें और रजिस्टर करें। QR कोड स्कैन करें। अपना पेमेंट गेटवे ऑप्शन चुनें। अपनी डिटेल्स दें और कैशबैक रिडीम करें। स्कीम के अनुसार कोई भी कोरटेवा उत्पाद खरीदने पर उसका QR कोड देखें। स्मार्टफोन में प्ले स्टोर में जाकर फार्मर कनेक्ट ऐप डाउनलोड करें। नाम, पता और फोन नंबर लिखकर रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद रिवॉर्ड फीचर में स्कैन खोलिए। उत्पाद का मौजूद QR कोड स्कैन करें। आपको जेन्युइनिटी के साथ आप कितना कैशबैक रिडीम कर सकते हैं इसके बारे में एक मैसेज प्राप्त होगा। रिडीम बटन पर क्लिक करें। कैशबैक के लिए आपको 4 विकल्प मिलेंगे।
अपना उचित पेमेंट गेटवे चुनें, परिचय पत्र बताकर कैशबैक की पुष्टि कर लें। बधाई हो, आपको कैशबैक मिला है और पैसे सफलतापूर्वक जमा होने का मैसेज आपको प्राप्त होगा। जी गौरव जी, तो जैसा जैसा कि आपने देखा अभी, तो ये कैशबैक कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ। तो 2 से 5 पैकेट के स्कैन पे आपको 25 रुपए पर पैकेट के हिसाब से आपको कैशबैक आपके मन चाहे अकाउंट गूगल पे पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप 5 से 10 पैकेट तक खरीदते हैं तो वो 5 से 10 पैकेट तक आपको जो है 30 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ किसान भाइयों, 10 पैकेट पाइनियर का धान 27 पीस 37 अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको जो है 300 रुपए तक का कैशबैक आपके अकाउंट में वापस मिल जाएगा। धन्यवाद रश्मि जी, आपने इतनी कीमती जानकारी दी और मैं आशा करता हूं कि किसान भाइयों को यह जानकारी कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण थी कि वो कैसे कैशबैक ले पाए। और जैसा कि हमें विनोद शुक्ला जी ने बताया 27 पीस 37 की विशेषताएं, और साथ ही साथ उन्होंने हमें बताया कि हम अपने उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं सभी किसान भाइयों का जिन्होंने हमें लाइव के माध्यम से सुना। साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि सभी कुशल मंगल होंगे, सबका स्वास्थ्य सही होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अभी कुछ दिन घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। साथ ही साथ इस बार 27 पीस 37 का चयन करके एक सर्वश्रेष्ठ किसान बने। धन्यवाद। धन्यवाद।